एक अच्छी स्क्रिप्ट है और अच्छी स्क्रिप्ट के साथ साथ अच्छी एक्टर्स असेंबल किए हैं और एक नया अप्रोच है और रॉ लोकेशन दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है और प्लस पॉइंट है कि वेरी गुड म्यूजिक इन दिस फिल्म। निश्चित तौर पे सब ने अच्छा काम किया है और सब अपने थिएटर बैकग्राउंड से हैं, सब अपनी मेहनत करके आए हैं और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि सबको जेल करती है, एक्सपीरियंस लोगों को भी, नए लोगों को भी। जी हाँ, ये मेरी फिल्म मैंने डायरेक्ट की है एज ए डायरेक्टर। किस तरह की फिल्म है? ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है। सब्जेक्ट जो है फिल्म का वो बहुत ही सीरियस है लेकिन एक कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश की है। एक लाइन में बात करें तो ये बोल सकते हैं एक्शन कॉमेडी बेस्ड ऑन फेक एनकाउंटर पर है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट सीरियस है, उसको एक कॉमेडी वे में हमने दिखाया है ऑडियंस को। ऑडियंस के रिएक्शन देखने के आपने? मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर हूँ फिल्म में और इसमें मेरा एक ही सॉन्ग है आइटम नंबर, जो समस्या अभी देश में चल रही थी महंगाई की, तो कहीं ना कहीं इस आइटम नंबर में भी दिखाया गया है, बताया गया है कि आज महंगाई में आइटम करने वाली भी महंगी हो गई है। हाय, आई एम वरुण मेहरा। हाय, दिस इज तरुण बजाज। देखिए, मेरा किरदार का नाम है दलेर सिंह। कैरेक्टर बड़ा कमाल का है, तड़ीपार है, आउटकास्ट है, जिस स्टेट में जाता है वहाँ के लोग इसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। किस तरह ये कैरेक्टर जेल में आके मुन्ना सुपारी और बंटी चोर से मिलता है, बस इसी पे पूरी कहानी निर्भर है। तैयारियाँ क्या, दिल्ली में ही पले बड़े हुए हैं, सारी चोरी चकारियाँ देखी हैं, बचपन में भी काफ़ी की हैं, तो है कुछ एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास। एक लाइन में स्टोरी है कि ये एक सीरियस प्लॉट को कैसे कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया गया, मतलब कैसे फेक एनकाउंटर्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे इनोसेंस पीपल जो होते हैं वो कैसे उसमें फंस जाते हैं। ये है कि हम लोग हम भी कोई दूध के दुले नहीं हैं, हमने भी कारनामे किए हैं, किसी तरह हम जेल में पहुंच गए, तीनों मिल गए और उसके बाद ये पूरी कहानी किस तरह एक फेक एनकाउंटर में तब्दील हो जाती है, बस पूरी कहानी इसी पे है। आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप हंसते रहेंगे और सोचते रहेंगे अरे भाई ये क्या हो गया। भाई एन्जॉयमेंट तो बहुत हुई, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी थी शूट करने, बट इट्स बिकॉज रियल लोकेशंस हैं, आउटडोर्स में हमें करना था, बट यार सबने साथ दिया, इवन लोगों ने भी साथ दिया कि अगर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हमें इतना एरिया चाहिए थोड़ा शूट करने के लिए, तो क्या आप अपना रास्ता थोड़ा सा बदल सकते हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल दिल से हमारा स्वागत किया और हमें शूट करने दिया। हाँ, बंटी चोर के बारे में दुनिया जानती है, एक बहुत बड़े जिसपे हाँ जी नहीं मिला, नहीं कभी मौका नहीं मिलता है। नहीं, एक ऐसी बंटी बंटी नाम नहीं, उसमें वो अलग चीज़ है, वो अंदाजे करते हैं। एक तो सिर्फ करेक्टर का नाम है बंटी चोर, दिल्ली में बंटी शंटी बहुत नाम चलते हैं ना, शंटी बंटी, तो हमने कहा चल बंटी रख देते हैं, ये किसी भी असली कैरेक्टर के नाम हाँ। पे नहीं है। इसमें मैं दिल्ली 6 के एक गून है उसका किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो एक उचक्का है जो अपने आप को बहुत ही तुखम समझता है और उसे लगता है कि सारी दुनिया में उसकी चलती है, सिर्फ बहुत ही हवाबाजी में रहता है, इस तरह का कैरेक्टर है और ऐसी हवाबाजी के चक्कर में ऐसी जगह पे जाके फंसता है जहाँ से इसको जान के लाले पड़ जाते हैं।